अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। से टॉप पे बैठ गई है दरख्त के ना, तो हमें ये था कि हम शायद इसको ना ले सकें, लेकिन अभी तक वो बैठी हुई है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जी, मौसम आपके साथ शेयर किया है कि मौसम आजकल सियालकोट का ये हुआ हुआ है बहुत ही खूबसूरत, और सुबह सुबह का टाइम है ये। तकरीबन हम अभी टाइम हुआ है 6 बजे सुबह, नमाज के बाद फिर मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं, तो मैंने यही आज सोचा था कि आज आपको मौसम से हो गई हूँ, तो मैं घर की तरफ नज़र डाल रही हूँ और बाहर शदीद बारिश शुरू हो गई है। 11 बजे का टाइम है, 11 साढ़े 11 का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो गई है। तो मैंने यखनी जो है वो बने रख दी है, क्योंकि अच्छा जी यहाँ से उठ के यखनी में रखा ही बनने के लिए, और अब मैंने क्या करना है कि घर की सफाई करनी है। काफ़ी मैस हुआ हुआ है हर तरफ, और विंडो मैंने ओपन कर दी है, बारिश अभी भी हो रही है बाहर। तो आज मेरा दिल है, साथ साथ मैंने अपनी जो
तो सारे का सारा डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ था। ग्रोसरी का सामान आ गया था रात को, तो मैं कह रही थी कि वो भी साथ साथ संभालती जाऊँ, और जो सी चीज़ें डालने वाली है कंटेनर में डालें। डिटर्जेंट पाउडर था और ग्लास क्लीनर है, मैक्स ख़त्म हुआ हुआ था हमारा। कुछ ना कुछ खाने के लिए, क्योंकि खाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सफाइयाँ करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब ये पॉपकॉर्न खाएंगे और फिर उसके बाद मैं जो है ना खाना बना लूँगी। चावल पकाने के बाद भी मेरा दिल कर रहा था कि मौसम की मुनासिबत से मैं थोड़ी सी खीर भी बना लूं, और ये कि फिर बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मिल्क लिया मैंने और मिल्क के साथ उबलने रख दिए मैंने। उसके बाद बादाम और पिस्ते वगैरह जो है वो गार्निशिंग के लिए कटिंग करके रख लूँगी, कुछ उसके अंदर डालूँगी। और पुलाव की मुकम्मल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, और उसमें मैंने लिंक सेंड कर दी है, आप उधर से आप इसकी मुकम्मल रेसिपी देख सकते हैं। इसी कंप्लीट रेसिपी के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जी खाना वगैरह खा लिया, बारिश का सिलसिला भी जारी था। तो उसके बाद दोपहर को आराम करने के बाद काफ़ी शाम हो गई थी, और फिर मैंने ठंडी चाय भी बनाई है बच्चों के लिए, क्रैकर्स बना के दिए इनको, और अब ये जब तक बनेंगे क्योंकि बारिश जो अब खेल रहे थे, तो मैंने सोचा इनको ये बना के दे देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और चाय के साथ मैं भी एक तो ले लूँगी। जो है वो अपनी टॉयलेट देख कर आती है और वो हमारी खेल रही है, साथ साथ वो दोनों खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, मेरी आज की डेली रूटीन जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की रूटीन पसंद आई है, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट रेसिपी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।